की जय, छत्तीसगढ़ माता जी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, लक्ष्मी माता की जय। सर्वप्रथम तो दीपावली के आज गोवर्धन पूजा है, और चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, जैसे हमारे प्यारी प्रवीण बैठे थे जिसके ऊपर पूजा थी, लेकिन गरीब आदमी चूही में और बर्फ माटी में था, लेकिन अपन घर ला साफ सफाई करता, जिसने पूंजी रहते उसने खूब था। हम तो बर्फ माटी वाला गोबर वाला गोते वाला है ना, तो सब तो पूजा करता गोवर्धन पूजा है, सब लोग कोटि कोटि धन्यवाद है, शुभकामना है। आज के इस प्रकार प्रयास अकादमी के तत्वाधान में यहाँ पर आप सब हम सब मिले के बात करे के फिर अवसर प्राप्त हुई से, ऐसे शुभ अवसर पर हम सब के मार्गदर्शक और खुद के बहुत ही रास्ता बताने वाला मजबूती देने वाला आदरणीय राजा साहब जी, हमारे बड़े भैया पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष वृंदालाल तिवर जी, हमारे कलमी से भैया डॉक्टर पुरुषोत्तम साहू जी, और जस्ट बगल में बैठे हैं मोर जैसे आप मन गुरु जी पढ़ाते उसने मोहर पढ़ाए हम, जब भारद्वाज गुरु जी है जब मैं सिंगराम पढ़ाते हैं तब जब भारद्वाज जी, आदरणीय मोर बड़े भैया अभी नया नाम जी से गोपाल राम कुमार यादव जी, राजेंद्र चंदे जी, आदरणीय अग्रवाल साहब जी, आदरणीय अपने ताम्रध्वज साहब जी, ऋषि साहू जी, रामपाल माली जी, मदर रात्रे जी, अमर युवा हृदय सम्राट आदरणीय अमर भाई अमर चूला से भाई सुरेश महिलांगे जी, आदरणीय हमर यहाँ पर उपस्थित तारकेश्वर जी भाई युवा हृदय सम्राट प्रताप चंद्रा जी, सत्या चंद्रा जी, एमे उपस्थित खान साहब जी, हमर जबरा पूर्णिमा तेली से चल कर का है जसवाल सर जी, मालाकार सर जी, खान साहब जी घोघरी से, एमे उपस्थित तमाम भविष्य के दोनों डिप्टी कलेक्टर बैठे, भविष्य के यूपी बैठे, भविष्य के यहाँ पर कलेक्टर बैठे, भविष्य के एसपी बैठे है, भविष्य के नायब तहसीलदार और सीओ बैठे है। और जो बनाने वाला कहते नहीं भूत गुड़ आ गया शक्कर बन गई चेहरा, हमारा आदरणीय सर जी जब आप सब लोग मंजिल बताए के लिए रास्ता बताए के लिए अपन तत्पर है, ऐसे गुरु जी मन लभी मैं ये मन से मैं शुरू कर रहा हूँ। राजा साहब बता चुके से मोला तो मन हर पड़ी एक बार है कि कई ठे कार्यक्रम में दूध सूख के सारा बात तो राजा साहब बता दे रही, बस वही ना हम मन लेके चलना है, मोर मेरे कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन मैं कुछ और विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान सबसे पहले अगर कोई पहलवान कहीं कोई लड़े जाते तो पहले वाला मन से जीते जाते, ये लो तो मैं दो मिनट पैसे घोल न कर तो आग ले पटाखा कर पहले मन से मुझे जीते जाते। कोई मैं मोर उदाहरण बता दो, मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, कोई आदमी पीड़ा के लकड़ी की पीड़ा रही गोबर के झाऊ रहा है, मैं छोटे रहे गर्मा चलाता हूँ तो पहले मन से जीते जाए तो मैं बहुत आई हूँ बोला बहुत आ रहा है, तब तक तो नहीं सकते बोहे कुछ लग रहा है तो बनाया लगे आप लोगों का आदमी, ये भी वही है चाहे कलेक्टर बनना है चाहे एसपी बनना है तहसीलदार बनना है, सबसे पहले ये कहो कोई वैकेंसी निकले है तहसीलदार या सीओ के लिए कि पुलिस के लिए निकले सब पर, तो ये कहा कि भैया हो तुम संगी साथी मतलब बोल दो एमआर के तो सब पद में एक पद हमारे गारंटी है 99 में तैयारी कराई तो बहुत ठीक समझे। जब तक ये बात तुम्हारे मन में नहीं आई कैसे बात, मैं तो कहता हूँ कोचिंग वाला मैंने देखे राजा साहब
उस धर में क्या वाले कैसे रहता है कदा दिन कोचिंग बहुत तो बिलासपुर में ज्यादा दिन नहीं होते भैया बोला चाचा 40 साल हो गए ज्यादा दिन नहीं होते 40 साल हो गए ता कैसे का स्थिति तो कंफ्यूज ता मैं कहता हूँ मेस में नहीं प्री वही एक आना चाहता ये भी कर दो लेका ये दिन तो खाए पिए के दिन है उनका पाप होकर दादा कैसा लाल देकर मैं आपसे कह रहा हूँ इंसान के पास सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है वो टाइम समय चाहे बेटी हो चाहे बेटा खास करके बेटी मन बेटी मन दसवीं पास होते तो हम घर में दबाव बनने के शुरू हो जाते भाई ये बेटी नहीं पढ़ाते क्या है कौन है ऊपर सर में बारी मारे जाए बारी कर सकती बी ए कर सकती नाना प्रकार के तो फलाना करके हमारे साढ़ू घर के तो फलाना आई साहब है मैंने खाता पीता है ना तो दिन का है नाना प्रकार के दबाव बना दे आप मन जो टाइम वो टाइम में सीधे करके बता दो कि हमें जो टाइम मिले वो उपयोग करके जिंदगी में आप ला ये जो समय होते ये समय 2 से 3 साल जो वर्ष जो रहते समय ये जिंदगी के आप मन के मोड़ करके और दिशा तय करके आगे बढ़े के समय अगर ये मेरे चूक गया तो जिंदगी भर चूक गया ये 3 साल ये 3 साल आप मन के लिए तपस्या करे के समय जैसे हम रामायण पोथी में सुने ओ इन राजा कोयले पाए के लिए कई साल अधिकार कटा के मुंह के बैठते रहे ओ रावण हर वो शंकर भगवान प्रसन्न करे पर वो अगर शरीर में ध्यान चलते रही से कि काय ये आप मन एक ऐसा आप मस्त वो अगर शरीर में ध्यान चलते थे वो गम नहीं पाते पर मगर है अगर आदमी के बड़े लक्षण है तो छोटे दर दर बुला लेते लक्षण लेते कोई प्रकार के डांस दिखता ना कोई अलका चंद्र आकर के कोई नृत्य ना श्री देवी के डांस ना के सोया रहा के कोई डायलॉग कोई आदमी आया पर सामने झूम रहे आग रहे आग रहे जिंदा जला के रहे और कत्व जी कहा करते अपन आर्थिक की स्थिति लो मन कमजोरी बताते मैं आपसे कहना चाहता अगर आपके लक्ष्य दिल्ली है आपके लक्ष्य रायपुर है रास्ता जाना है ये रास्ता है मालूम है मंजिल है रायपुर तो रायपुर जाके दिल्ली जाके कई रास्ता एक रास्ता है जन शताब्दी में जावा तो 3 घंटा में पहुंचा दी एक लक्ष्य है एक रास्ता है वो लोकल गाड़ी में जाया तो लगभग 6 घंटा पहुंचा दी अगर कोई आदमी वाला बस में जाते तब वो बस की भी रास्ता है मोटरसाइकिल में साइकिल में पैदल भी तो हमारे में भाई जो हमारे में स्थिति रहती में तो हम जाओ हमें कब हमारे हवाई जहाज ये रास्ता बन जाए कब थोड़ी बनी जेकर जो रास्ता है ले जाए और हम गरीब आदमी हैं तो जरूरत पड़ी हम पैदल भी जाओ ये आप बस कि वो कलेक्टर बन देते हैं यूपीएससी पास कर देते हैं तो जाकर के मुखर्जी नगर दिल्ली में ही जाकर के 10,000 के भवन में रहते और 50,000 के ट्यूशन में फीस देते तो भाई हम तो घर के लोग हम कैसे दे सकते और बात तो ओमा मजा है बात तो तब मजा थे अनोखा काम करना अरे कलेक्टर के बेटा कलेक्टर बन जाही एसपी के बेटा एसपी बन जाए तो वो मजा नहीं है एक गांव के व्यक्ति साइकिल में आके ऐसे छोटे से नगर जहां ये प्रयास एक आदमी जो चला थे छोटे से गांव यहां अगर कोई आदमी कलेक्टर एसपी बनी ते मजा है वो तो अलग आनंद मैं तो कहीं से पूछता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज करे हो तो पूछते रहे सब पहले पूछता हूँ तेरे पैसा दे के इंजीनियरिंग करे हैं कि तेरे पीसी पकड़ कर पहले बता और खेत लगे कि इंजीनियरिंग करी तार बोले काय काम है उसमें कर तार है ऐसा कहूँ मैं तब किन्हें तो झोलम धरे धरे कोरे डिग्री है मुझ पे तो 5 साल हो गए भैया मैं कुछ नहीं लगा थे जब राशिम करती से आकर इंजीनियर करे मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई आदमी इंजीनियर अपन मन से कर रहा है अपन विवेक से कर रहा है
बोला मांगे की जरूरत नहीं, कंपनी वाला आपको उठा के ले जाते, आपको ये बनना है। और आप कौन अकादमी कत्तर बड़े नाम है, ये बड़ी बात नो है, ज्ञान तो एक पुस्तक न पढ़ना है। आप तय करना, जिससे मैं आपके सामने खड़े हूं, अक्का दिन कह रहे इसे कि पैसा वाला ही विधायक, अरे बड़का की सब तो सामने खड़े हैं। पैसा वाला ही कलेक्टर बनते, पैसा वाला ही एसपी बनते, पैसा वाला ही विधायक बनते, अरे गरवा चरवा जे रहिए समय में आज दे हमारा आज का गोवर्धन पूजा है के राम तुम्हारे अंदर गरवा ले जमा तो तुम बिजे किराली की में कितना गरवा ले चलाओ, आज विधायक बन सकते तो आप कलेक्टर एसपी तहसीलदार क्यों नहीं बन सकते। लक्ष्य तैयार कर ले है, और लक्ष्य तैयार करे के बाद हम देखे हम कद कुछ लड़का मन ला, जैसे ही खाना खाई हम आनंद है तब मन खाना खा तो हम ध्यान उनमें रहे, तो फलना के हाथ में बैठे हैं जल्दी जाओ तो हम ना ढूंढना है, दे जल्दी दे जल्दी दे भाग जल्दी दे, लगा पका खाते मुंह में पहुंचे नहीं पार पूरा कर दे बेटा का कैसे करें हम भाग फलना आज आपका ये लक्ष्य दे और महसूस कर। अगर कोई लड़का तहसीलदार बनते, कोई लड़का पुलिस बनते, जब अपन बीच में आते तो ऐसे लगते कि हमारे गांव के गीत आप पर चला रहे हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जाओ जो ईमानदारी के साथ काम करते वो ये राज्य बढ़े। हमने समर्थन हीरो हीरोइन बनना साधारण बात है, हीरो हीरोइन अमिताभ बच्चन सोने वाला कत्ता कर सुंदर हमारे गाँव में, लेकिन अपन मन में सुंदर से नहीं, ज्ञान से नहीं, ताकत से नहीं, जेकर में संपूर्ण ज्ञान समय के अनुसार उपयोग करना। काकरो सर के देखे तो 2 किलो के एक एक 50 किलो मतलब फेंक दा तो कुछ नहीं हो, लेकिन अगर ताकत के जब उपयोग होतीस, जब वो सैनिक बन के जातीस और कथीस दिमाग बॉर्डर पार करके 50 जगह मूल बुकेट के लिए आए कभी तो ताकत उपयोग समझ आ वो ये दारू लगने के कहो मैं जाग के उम्र तो भी जल भी क्या जा रहे थे कुछ मत तो है और कहना है कि आज आप मन के विवेक है, आप मन के बुद्धि है, ताकत है, समय है, और सही समय में सही उपयोग करो। और मोल आप मन के चेहरा मोल नजर आते भविष्य के जो बोले हैं कि नहीं आप बता दो अपन क्षेत्र ला बता दो अपन गुरु जी का कि गुरु जी जिस प्रकार से अमर राजा साहब उदाहरण दे रही वो अर्जुन जो मारी था ओकर आंख में गिरी अर्जुन अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों पांडवों पर सिखोत रही से कौन सिखोत रही से गुरु कौन द्रोणाचार्य और सिखोते विद्या और एकलव्य आ जाते तक कहते कि मैं तोला ज्ञान दे नहीं सकते, उगर मूर्ति के बना करके करत करत अभ्यास के जड़मति हो ज्ञान और वस्त्री आप बचा के सिर पर इंसान आप अंतर मन ध्यान लगा कर देख को पढ़ाओ सब वही पुस्तक का पठन कोई गुरु जी पढ़ा दे एक जगह 100 में 100 ले आना थे एक जगह पास की हो गए मतलब अंतर मन से हम निकल अंतर मन में झाकर किया कि मैं कहा करना चाहता हूं मैं कहा कर रहा था पहले अपन मन ने पूछो मैं क्या करना चाहता था मैं क्या कर रहा था अपने मन ने पूछो अपन मन को आवाज दी ओकर बाद तो पूरा क्लियर हो जाए कि तू क्या करना चाहता था और क्या कर रहा पर मन ने पूछो। मैं बस यही पे हूं कि आप मन समय को उपयोग करा बोला खुशी हुई अगर मैं कोई लेकर मन अगर भेजा कि भैया चाचा हमला सहयोग दे हम लोग कुछ करना चाहते हैं कुछ पुस्तक का भी खरीदना चाहते हैं मैं तो वो अभागा जेरे सब की तो बोला पढ़े लिखे में बड़ा मौका नहीं हम वो समय में हम दर्शन देखकर कोई काले जाति कापी न धर के पुस्तक धर के तो दर्शन की काश हमें मौका मिल जाए काश बोला कहीं पर कोई कोचिंग करे के मौका मिल जाए आप वो बेटी है धन्य कि आज यहाँ कोचिंग करे आए गोरे से बेटी को ना भी कहा हम जाके देखा
घर में जाके विभव को कर दे तो कोचिंग करे आए तो अपने आप से भाई के साले समझा कि तू हम बतारी को पिता जी को भाई को चाचा और पर अपने का भरोसा करके यह भेजे हैं और साक्षात करा मैं तुम्हें सुनी कर तो आज आज के लिए ज्यादा करके पूजा पूजा